जी उनके गृह मंत्री ने कहा है कि जुमले थे, तो अभी इसके बाद कुछ बात ही करने बनते नहीं है, वो जुमला ही था। तो जुमला है, चुनावी जुमले होते रहते हैं। वो कह रहे 2 लाख जो रोजगार देने वाले थे, 2 करोड़ जो रोजगार देने वाले थे, मुझे पता है कैसे देंगे जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही नहीं है। जो एक जमाने हुआ करता था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दिया था, वो बंद कर दिया था कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। अभी कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही नहीं हमारे पास, तो जॉब कहाँ से देंगे। जाग तो रहा है पर उनको और जगना चाहिए। 2024 का जो इलेक्शन आएगा ना, तभी राम मंदिर का मुद्दा आगे करेंगे। अच्छा, तो राम मंदिर का मुद्दा आगे करेंगे, हिंदुओं का एक साथ फिर से लाएंगे, हिंदू करके बस वो लोट खींचेंगे। जिन्होंने कुछ भी नहीं करा है उनकी ज़िंदगी भर, चाय बेच के बोल रहे, उन्होंने कहा कि चाय बेच के मैं यहाँ पे आया हूँ, किसने देखा नहीं है। उन्होंने डिग्री ली है, किसने, उनके साथ कोई पढ़ा भी नहीं है, तो कहाँ से डिग्री पता नहीं है। वही कह रहा हूँ मैं कि पिछले कुछ सालों में जनता जो चुप रही है, जो उनको भारतीय संविधान ने जो मतदान का अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार दिया, बस उसको एक इंजॉयमेंट की तरह यूज़ करती है। वो देखते नहीं कि आपका सामने उम्मीदवार पढ़ा है, लिखा है, कुछ उन्हें किया है। गुंडागर्दी वहाँ पे चलती है, गुंडे संविधान में, गुंडे संसद में जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जो संविधान ने अधिकार दिया है, उम्मीदवार कैसा है, कौन है। अगर उम्मीदवार सही है तो हम लोग उसको वोट कर सकते हैं, जो हमारे क्षेत्र में जाता है, जिसको हम चुन के लाते हैं। हौसला अफजाई करना है, उनको समर्थन देना है। हम एक महाराष्ट्र स्टूडेंट यूनियन, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो महाराष्ट्र में चलाते हैं, विद्यार्थियों के हक के लिए हम लोग बात करते हैं। जब युवा विद्यार्थी पीढ़ी इस आंदोलन से जुड़ेगी तो उनको समझ में आएगा कि किसान कितना महत्वपूर्ण है देश के लिए। जो किसान अनाज बोता है उस किसान के आज ऊपर ये जो नौबत आ चुकी है, नौबत सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के काले कानून से आ चुकी है। इसलिए हम बताना चाहते हैं महाराष्ट्र में भी और बाकी अन्य राज्यों के भी, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का इस आंदोलन में सहभागी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि देश में और केंद्र सरकार एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम जो हमारे लिए जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उसको हम एनी हम लोग उसके लेके ही रहेंगे। जी मुंबई महानगर पालिका जो कि कॉरपोरेशन है, जब कॉरपोरेशन ने 2 साल पहले एक टीचर रिक्रूटमेंट्स के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाली थी जो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए थी, और उसमें उन्होंने कंडीशन डाली थी ताकि महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका जो मराठी के नाम पर काफ़ी सारे वोट बैंक करने की वाली राजनीति पक्ष जो है शिवसेना है, उनकी सत्ता पिछले 25 सालों में उस महानगर पालिका पर है। टीचर रिक्रूटमेंट में उन्होंने एक कंडीशन डाली, उस उन्होंने ऐसा लिखा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल एक जो कंडीशन है पूरी तरह से एक असंवैधानिक है और ये अपने हक को मार रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे नेशनल टीचर काउंसिल जो दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है, हम उनको निवेदन देने वाले हैं, उनको कहने वाले हैं कि आपके माध्यम से, आपके ओर से आपने इंटरव्यू करना चाहिए। बिकॉज नेशनल टीचर काउंसिल कहते हैं कि TIT और TET ये होना बहुत ज़रूरी होता है। और 252 जो भी छात्र जो है, उम्मीदवार जो मेरिट लिस्ट में आए, पवित्र पटेल करके को आप एक कंसेप्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2014 में निकाला था, तो उसी माध्यम से उन्होंने 252 को रिकमेंड किया था कॉरपोरेशन को। तो कॉरपोरेशन रिकमेंड करने के बाद भी अगर महानगर पालिका वेरिफिकेशन राउंड में उनको कहते कि आपका शिक्षा जो है मराठी माध्यम से हुआ है, इसलिए आपको हम लोग ले नहीं रहे जॉब में, तो ये बहुत गलत बात है और ये उनके संविधान अधिकार का पूरा हनन कर रही है। तो इसलिए हम लोग नेशनल टीचर काउंसिल को कहना चाहते हैं कि आप इंटरवेंशन करें और 252 को अपना अधिकार दिला दें। मेरे पापा भी किसान खेती करते थे, तो एक हमने सोचा कि हम यहाँ पे किसानों को भी हौसला अफजाई करेंगे और जो मुद्दा लेके यहाँ पे आया है, वैसे कई सारे मुद्दे हमारे पास है, विद्यार्थियों के मुद्दे, प्रोफेसर्स के मुद्दे, कई सारे मुद्दों के लेके हम लोग मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो अभी उनका नाम बदल के HRD का नाम बदल के भी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन किया है, UGC को भी मिलने वाले हैं, BCA जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो लॉ के एजुकेशन को रेगुलराइज करते हैं उनको भी मिलने वाले हैं, उनका कल अपॉइंटमेंट है। और एक हमने वो काफ़ी दिनों से चर्चा में जो आपका स्कूल मॉडल है, वो स्कूल मॉडल रियलिटी में कैसा है, सच है, झूठ है, उसको देखने वाला है कि जो एडवर्टाइजमेंट आती है अखबारों में, आती है न्यूज़ पे, आती है कि आप गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें करी है, आप गवर्नमेंट वैसी चीज़ें करी है, सच में ऐसा है नहीं है। तो आप वहाँ पर भी हम लोग जाके विजिट करने वाले, और सच निकला तो हम सराहेंगे और झूठ निकला तो उसको बताएंगे सामने। देश की उन्नति जो है शिक्षा से होने वाली है। शिक्षा आपको बोलने का अधिकार देती है, आपको समझ आता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर शिक्षा नहीं होगी ना तो आप यहाँ पे नहीं आओगे, आप बोलोगे नहीं, आपकी आवाज़ ऊँची नहीं करोगे, इससे शिक्षा चाहिए। आज जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे लाई है मोदी गवर्नमेंट ने, वो फॉरन कल्चर को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए, फॉरन यूनिवर्सिटी जब यहाँ पे आएगी तो हमारे जो बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, जो सर्वसामान्य घरों से बच्चे आते, पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो शिक्षा का जो महत्व है बहुत अलग तरीके से महत्व बोलना चाहिए लोगों ने।
बात आगे रखनी चाहिए। संगठन पार्टी के जो लोग होते हैं ना, अभी मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, हर एक राज्य में ऐसे होता है कि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है जो राजकीय नेताओं ने किए, हमारे महाराष्ट्र में 4 ऐसे एक्ट बन चुके हैं जो फेवर करते हैं प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को फेवर करते हैं। आपने एक सवाल उठाया, जो भी PSU है उसका निजीकरण किया जा रहा है, सही बात है किया जा रहा है, पर हम रोक रहे हैं उसको, हम बाहर आ रहे हैं नहीं आ रहे बाहर। जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तब तुम, जब तुम्हारे पेट में अनाज नहीं तब तुम बाहर आओगे, उसका वेट क्यों करते हो आप? अभी से आ गया हो ना आप? मैं आपसे बात पूछता हूँ, अभी मुझे बताओ जनकल्याण हुआ है? अभी नहीं हुआ जनकल्याण ना, तो आप भी एक मीडिया, आप भी एक जनता हो भारत की, आपके माध्यम से आवाज़ लेके जा रहे हो जनता तक, तो ये उठेंगे। जैसे अभी किसान आंदोलन से जो अभी बोल रहे हैं ना, इस पिछले 100 दिन से बैठे हैं, तो अभी आवाम जाग रहा है, आवाम सुन रहा है और आवाम आज के आगे बोलेगा। 24 तक इस भारत में क्रांति होने वाली है और ज़रूर क्रांति होगी। और ये मोदी जो मोदी का जो एजेंडा है कि ग्लोबल फेस बनने का, वो जन्म में होगा नहीं उसका। लेकिन लोग कहते हैं मोदी जी का डंका बज रहा पूरी दुनिया में, डंका हिमालय में बज रहा ना उनका, जो जाके बैठे थे ना हिमालय में। मैंने कहा कि मैंने स्पीच में कहा कि सरकार खौफ में है, अगर सरकार खौफ में नहीं होती तो सरकार इनको रोकती नहीं है, सरकार इन पर लाठीचार्ज नहीं करती। उनके मन में डर पैदा हो चुका है, जो एक फ्रेम लेके घूम रही है ना मोदी सरकार, वो फ्रेम को किसान आंदोलन तोड़ दिया है, ये याद रखिएगा आप। और जो भी जो बंदोबस्त कर रहे हैं किसानों को, अंदर नहीं आने दे रहे, किसान को लाठीचार्ज कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरा समझ में आ रहा है कि किसान के आंदोलन से मोदी सरकार डर गई है। जो डर होता है वो डर आदमी को कमजोर करता है, मोदी अभी कमजोर हो चुके हैं। जरूर मिला है रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे आने के बाद, हमारी जो बातें हमने जो निवेदन के जरिए उनको दी है उन पर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली आया है। अगर नहीं आया है तो देखिए दो तरीके से आंदोलन होते हैं। एक आंदोलन हमने रास्ते पर देखा है, दूसरा आंदोलन किसी ने देखा नहीं होगा जो जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह होता है। एक जस्टिस भागवत ने PIL मतलब पब्लिक जनहित याचिका कंसेप्ट भारत में लाया जो अमेरिका में था। हम सोचते हैं कि यार कोर्ट में कुछ होगा नहीं, कोर्ट में होता है अगर हम लोग कोर्ट पे विश्वास रखेंगे। मैं एक एडवोकेट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोर्ट पे विश्वास रखेंगे तो कोर्ट में सारी चीज़ें हो सकती है जनहित याचिका के जरिए। जैसे अभी मैंने कहा मेरे स्पीच में, सुप्रीम कोर्ट ने एक काले कानून को एक स्टे दिया था, बट अगेन दोगलापन जो सरकार ने किया है कि सुप्रीम कोर्ट के साथ में कमेटी इस्टेब्लिश की है, जो कमेटी उसको स्टे को मान नहीं रही है। अभी जो सेंट्रलाइज करके जो करी ना सरकार की सारी चीज़ अपने हाथ में रहे, उसको हमको ब्रेक करना है और इस किसान आंदोलन ने उसको ब्रेक किया है काफ़ी हद तक। आपने देखिए CA NRC और NPA के लिए देश भर में आंदोलन हो चुके थे, उसी टाइम कोरोना का उन्होंने जो महामारी लेके आए नवंबर में, तो मतलब ट्रम्प जो आए थे वेलकम ट्रम्प का, जो उन्होंने अहमदाबाद में पूरा इवेंट किया था, तब तो कोई कोरोना पॉजिटिव दिखा नहीं हमें, केरला में 1 नवंबर मिला था बराबर। तो तब से कोरोना जब आया था, जब गए तो कोरोना पिक पे आ गया है ना। तो NCR NPA और CA की वजह से भी देश में अच्छे से माहौल बना था, जन आंदोलन का माहौल बना था, उसके बाद उन्होंने कोरोना का माहौल डाल के उसको तबाह दिया। बट अभी जो किसान आंदोलन है वो फिर से बढ़ चढ़ के लोगों में विश्वास दिला रहा है। और मैं यहाँ से एक बात बना कहना चाहूँगा आप पूरे देशवासियों को, किसान आंदोलन की वजह से देश में पूरी तरह से एक अच्छा माहौल बनेगा, पॉजिटिव माहौल बनेगा, और जो जनहित के लिए लोकहित के लिए जो सरकार काम करेगी उसकी सरकार आएगी। मैं तो चाहता हूँ कि जो सर्वसामान्य लोग से लोग आ गया है वो चुनाव लड़े। देखिए क्या है ना, ये हजारों साल से हमारे देश में जातिवाद चल रहा है, भाईचारा भी है और जातिवाद भी है, इसको समय जाएगा, इतना जल्दी नहीं होने वाला है। अगर हम खुद के मन से करेंगे ना तो ही बदलेगा, अगर वहाँ पे नहीं तो बदलाव तो जरूर आएगा, एक दिन जरूर आएगा, हमको हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी। किसान कर रहे हैं ना शुरुआत, आप फिर से बोल रहे हो किसान का, बोल रहे हो सब मुझे बता रहे हो मंदिर में जो हुआ है, किसान तो कोशिश कर सकते हैं, चलिए ठीक कोशिश कर रहे हैं।